अधीर रंजन चौधरी के बयान की वजह से एक बार फिर तृणमूल और कांग्रेस के बीच बड़ी दरार बढ़ती नजर आ रही है। तृणमूल ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और बहरामपुर कांग्रेस उम्मीदवार अधीर चौधरी के एक वीडियो की क्लिप को शेयर करके बंगाल में बीजेपी वाम कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप लगाया है। वीडियो में अधीर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तृणमूल के बजाय बीजेपी को वोट देना ज्यादा बेहतर है। मंगलवार को अधीर जंगीपुरा कांग्रेस प्रत्याशी मुर्तजा हुसैन के समर्थन में एक चुनावी सभा में थे। उस बैठक में सीपीएम के राज्य सचिव और मुर्शिदाबाद केंद्र के वामपंथी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर तृणमूल की ओर से जारी किए गए वीडियो में अधीर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तृणमूल को वोट देना उनसे बेहतर है, बीजेपी को वोट देना चाहिए। कई तृणमूल सांसदों और नेताओं ने एक्स पर क्लिप पोस्ट शेयर करके इसे अधीर और बीजेपी का कनेक्शन बता दिया। यहां तक कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सीपीएम को भी इसमें शामिल किया गया है। आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट की माने तो प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या आईचराय ने कहा कि तृणमूल ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जारी किया है। दरअसल जमीनी स्तर के लोग डरे हुए हैं। तृणमूल को मुर्शिदाबाद जिले की तीनों सीटें हारने का डर है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल के साथ बीजेपी के अप्रत्यक्ष गठबंधन के बारे में हर कोई जानता है। जिस तरह नरेंद्र मोदी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, उसी तरह तृणमूल भी बंगाल को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है, तो निशाने पर अधीर चौधरी ही है। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते सोमवार को अधीर रंजन की मौजूदा सीट पर बहरामपुर में चुनावी रैलियां की थी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहरामपुर लोकसभा के अंतर्गत रेजी नगर विधानसभा क्षेत्र में रैली की। तृणमूल की ओर से इल्जाम लगाया गया कि ना तो नड्डा और ना ही योगी ने बहरामपुर में अपनी रैलियों में अधीर को निशाना बनाया। टीएमसी का आरोप है कि उनका पूरा भाषण तृणमूल की आलोचना से भरा था। टीएमसी का आरोप है कि अधीर को सुविधा देने के लिए नड्डा और योगी ने ये रणनीति अपनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।